हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हीरा, जी हाँ दोस्तों, डायमंड अब क्या होगा, आप भी बना सकते हैं। मतलब हमारे जैसे लोग ही बनाते हैं, लेकिन इस बार क्या होगा कि आप सोच के हैरान होंगे कि अब जो हीरा हम बहुत मुश्किल से पाते थे, नेचुरली पाते थे, इतना महंगा होता था, इसे आप खुद भी बना सकते हैं और इसका कोई बिजनेस भी शुरू कर सकता है। मतलब आर्टिफिशियल डायमंड हम बना सकते हैं। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ने क्या किया था, उन्होंने अनाउंस किया था बजट में कि वो क्या करेंगी, जो हमारा आर्टिफिशियल डायमंड है उस पर फोकस करेंगी, ताकि हम क्या करें, इंडिया में आर्टिफिशियल जो डायमंड है या लैब ग्रोथ डायमंड है उस पर क्या हो, उसको बढ़ावा दिया जा सके। इससे क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो लैब ग्रोथ डायमंड होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, इसीलिए इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। और दोस्तों ये सच भी है, ये बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि भविष्य इसी का है। क्योंकि आपको पता है कि जो लैब ग्रो जो नेचुरल डायमंड होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन अगर वही डायमंड हम क्या करते हैं, लैब में बनाते हैं और इस पर लगातार रिसर्च करते हैं, तो ये वक्त दर वक्त क्या होंगे, ये सस्ते होते जाएंगे। आपको जान के आश्चर्य, मतलब काफ़ी आप सरप्राइज होंगे, जो पहले के जो लोग थे, जो राजा महाराजा थे, आपने देखा होगा कि वो ज़्यादातर तांबे के बर्तन में खाया करते थे। तो आप मतलब लोग सोचते हो, मतलब आज के टाइम में लोग सोचते हैं कि तांबे के बर्तन में खाते थे, क्यों ये वो, लेकिन ये सच भी था। उस टाइम पे जो तांबे का बर्तन होता था वो काफ़ी महंगा होता था। महंगा क्यों होता था, क्योंकि उसको बनाना मुश्किल था। यही सेम चीज़ हीरे के साथ है। हीरा तब तक बहुत महंगा था जब तक हम उसको नहीं बना सकते थे, लेकिन आज हम उसको बना सकते हैं, उस पर रिसर्च भी होने लगा, उस पर काम भी होने लगा है, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने उसे फोकस किया और इन्होंने बहुत अच्छा किया है। इन्होंने ये भी अनाउंस किया कि ये क्या करेंगे, आईआईटी, कोई एक आईआईटी इंस्टीट्यूट को लेंगे, उसके ऊपर पैसा खर्च करेंगे, ताकि वो क्या करें, लैब ग्रोथ डायमंड पे क्या करें, लगातार रिसर्च कर सकें। क्यों रिसर्च कर सकें, क्योंकि ठीक है, क्योंकि लगातार जब वो रिसर्च करेंगे तो जो उसकी प्राइस है, जैसे कि आज अगर उसकी प्राइस 1 लाख है, उस पर लगातार सोच चलता रहेगा, तो उसकी टेक्नोलॉजी में क्या होगा, इंप्रूवमेंट आएगा, और इससे क्या होगा, वो जो डायमंड है वो सस्ता हो पाएगा। लेकिन ये तो बात हो गई, चलो ठीक है, ये तो बजट की बात हो गई और काफ़ी अच्छा ये इनिशिएट लिया है, एक तरीके से सबके दिमाग में आया भी होगा कि हम भी इसका बिजनेस कर सकते हैं। दो चीज़ें जान लेते हैं। पहली चीज़ कि इसको शुरू करना मुश्किल है, क्योंकि इसके जो इक्विपमेंट आते हैं, जो मशीनें आती हैं, काफ़ी महंगी होती हैं, इसीलिए अभी इस पर शोध की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जब शोध इस पर होगा तो जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीनरी इसकी आएगी, वो सस्ती होती जाएगी धीरे धीरे, और फिर इसको नॉर्मल वे में जो छोटे मोटे उद्योगपति हैं, ठीक है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, वो भी भविष्य में यूज कर पाएंगे और इसका व्यापार शुरू कर पाएंगे। दूसरी दिक्कत दोस्तों ये है कि ये जो बनता है, इसमें बहुत ज़्यादा मशक्कत की ज़रूरत है, इसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तब जाके क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल डायमंड होता है वो बन पाता है। ये तो बात हो गई, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है। कभी ना कभी तो पहली बार दिमाग में आया होगा कि हीरा भी हम बना सकते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि सोना भी हम बना सकते हैं, बनता है, लेकिन दिक्कत ये होती है जब उस सोने को हम बनाते हैं, उसमें जो खर्चा आता है, मान लीजिए हमारा 1 ग्राम, मान लीजिए कि हमारे कोई सोना है, एक टुकड़ा है, मान लीजिए 10 ग्राम का, उसकी उसकी जो प्राइस है वो 50,000 है। हमने क्या किया कि उसको लैब में बनाया, तो लैब में बनाने का जो खर्चा आ रहा है वो 70,000 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें हमारा घाटा है, तो उस सोने बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी था, लेकिन इसमें क्या हुआ दोस्तों कि जब डायमंड आर्टिफिशियली बनाया जाने लगा तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी मिली। शुरू में तो जाहिर सी बात है महंगा हुआ ही होगा, लेकिन अब क्या है कि जो सोना, जैसे जो आप 4 से 5 लाख रुपए में आप जो डायमंड खरीदेंगे मार्केट में, या ऐसे कहें 40,000-50,000 के डायमंड आप खरीदेंगे, वही डायमंड अगर आप मतलब आर्टिफिशियल डायमंड आप लेने जाते हैं, तो इसमें फायदा आपको ये होता है कि आपको लगभग मान चलिए आपको ये 10,000-20,000 में मिल जाएगा, या फिर कोई 5 लाख का है तो आपको 1 लाख में मिल जाएगा। इसमें आपको लगभग आप देखिए कितना ज़्यादा आपको फायदा है, काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉफिटेबल है। और सबसे बड़ी इसमें फायदा यह है कि जो नेचुरल डायमंड जैसा होता है, सेम टू सेम ये डायमंड होगा, वही कैरेक्टरिस्टिक, वही क्वालिटी, वैसी चमक, एकदम वैसे होगा। तो कोई नेचुरल और आर्टिफिशियल में कोई ये नहीं बता सकता कि ये मतलब ये नेचुरल है, ये अननेचुरल है, ये आर्टिफिशियल है, तो इसमें ये फायदा होता है। लेकिन अब थोड़ा सा पीछे चलेंगे और समझेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। इसके 2 कारण थे। पहला कारण ये था कि जो डायमंड होता है, आपको पता है डायमंड हर कोई लेना चाहता है, ठीक है, जैसे लोग सोना चांदी लेते हैं, हर कोई पहनना चाहता है, लेकिन इतना महंगा होता है कि इसको कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जब इसको कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो जाहिर सी बात है इसकी सेलिंग, इसकी जो सेल होगी, इसकी इसमें कमी आएगी। और नेचुरल डायमंड आपको पता है इतने मिलते नहीं हैं, वो कुछ मात्रा में यहाँ पे हैं।
अगर सोचिए कि एक एंड्रॉयड फोन है, दुनिया में एक ही एंड्रॉयड फोन होता, बस एक होता, आप जरा सोचिए उसकी कीमत कितनी होती, आप सोच नहीं सकते हैं उसकी कीमत इतनी होती। तो हीरा कम है, और दूसरी बात हीरा लोगों को चाहिए भी, तो सप्लाई भी जरूरत है लेकिन महंगा है, और दूसरा कम भी है। दूसरी वजह दोस्तों ये थी कि मैंने आपको एक लेक्चर दिया था, मैंने उसमें बताया था कि वैज्ञानिकों ने क्या किया था, एक ग्रह खोजा था जिसमें वहाँ पे हीरो की बारिश हो रही थी, हीरो की बारिश हो रही थी, इसमें बहुत पहले से ही काम चल रहा है, कई ग्रह ऐसे खोजे गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि वहाँ का जो जैसे जो उनका ऊपरी वातावरण है वो क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, हज़ारों डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो कार्बन जाते हैं, आपको पता है हीरा कार्बन से बनता है, तो जो वहाँ पे कार्बन उपस्थित होते हैं वो डेंस होकर प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो छोटे छोटे हीरे के पार्टिकल में बदल जाते थे, बूंद में बदल जाते थे, और वही समुद्र में जाके गिरते थे, जिसको हम बोलते थे हीरो की बारिश हो रही है। तो वैज्ञानिकों ने वहाँ पे देखा कि हीरा वहाँ पे आर्टिफिशियली बन रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हीरा कैसे बनता है, कार्बन होता है, और वो क्या होता है, जब लाखों साल तक क्या होता है, दबा रहता है कहीं पे, हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है, वो हीरे में बदल जाता है। एक चीज़ आप थोड़ा समझिए इसको और आसान भाषा में, कोई पत्थर है, ठीक है, जैसे जहाँ पे जब परमाणु बम गिरता है आप देखेंगे वहाँ पे क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से, और यही टेम्परेचर जब बहुत वक्त तक रहता है, बहुत प्रेशर रहता है, तो वो किस में बदल जाता है, हीरे में बदल जाता है। सेम प्रोसेस है। तो वैज्ञानिकों को लगा यार कि जब वहाँ पे हीरा बन सकता है उतने प्रेशर में, उतने टेम्परेचर में, तो वही प्रेशर वही टेम्परेचर हम क्या करें कि एक लैब में अगर पैदा कर सकें, और जो कार्बन होता है उसको इसमें डाल के इस पर लैब में पैदा किया जाए, तो क्या वो हीरा नहीं बन सकता है? तो इस पर वैज्ञानिकों ने काम करना शुरू किया। जब वैज्ञानिकों ने काम करना शुरू किया तो उनको सफलता मिली, और जब सफलता मिली तो धीरे धीरे चीज़ें प्रचलन होने लगी, इस पर काम होने लगा, और अब क्या हो रहा है कि जो उद्योगपति हैं वो क्या करते हैं, नेचुरल से ज़्यादा आर्टिफिशियल डायमंड पे वो फोकस करते हैं, क्योंकि कस्टमर को सस्ता मिलता है, इनकी सेलिंग बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि जब सस्ता होगा ज़्यादा कस्टमर इनको मिलेंगे, ये सेल करते हैं, प्रॉफिट कमा पाते हैं। वरना एक वक्त ऐसा भी आ जाता कि डायमंड की जो कंपनी है बंद हो जाती, क्योंकि जब डायमंड लिमिटेड है, मांगे हैं, तो कौन लेगा? तो ये एक उद्योगपति के लिए बहुत एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। आपको जान के हैरानी होगी, आप सोच के आश्चर्य हो जाएंगे कि लकड़ी से भी पेट्रोल बनता है, आपको पता है, प्लास्टिक से भी पेट्रोल बनता है, मक्के से भी पेट्रोल बनता है, लेकिन कई जगह बन भी रहा है, और धीरे धीरे जब इसमें रिसर्च और होगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा। वही चीज़ इस हीरे में भी है, इसलिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस पर फोकस किया है, इसलिए इस पर रिसर्च टीम बैठाई जाएगी ताकि इस पर और शोध हो, इसकी मशीनरी को, इसके इक्विपमेंट को, इसके प्रोसेस को आसान बनाया जा सके, सस्ता बनाया जा सके, और जो आर्टिफिशियल डायमंड है वो उस पर क्या हो, भारत का दबदबा हो। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, शेयर करेंगे तो और भी लोगों को इसके बारे में पता चलेगा, सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।